तो ये क्वेश्चन वन है, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वन क्या कहता है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 0.1 एम एन ए एंड 0.1 एम एच ए, इसका के जो है 1 × 10⁻⁶ है, गिवन है, वुड बी। तो हमें पीएच निकालना है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। तो हम कैसे इसको पीएच को कैलकुलेट करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन पीएच जो होता है इसका, तो पीएच जो होता है वो होता है पी के प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब गिवन में क्या है तो देखते हैं। गिवन के जो है वो है कितना दिया है, 1 × 10⁻⁶ दिया है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ये कितना दिया है, ये 0.1 दिया है, ठीक है। ये एन ए ए है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ये एच ए, ठीक है, ये कितना है, ये 0.1 है। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो आपका ये आ जाएगा पी एच इक्वल टू पी के, हम कैसे लिखा लेंगे, ये माइनस लॉग के ए होता है, तो पी के ए की जगह हम लिख देंगे माइनस लॉग के ए, और ये प्लस है प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो पीएच जो है के की वैल्यू कितनी है, माइनस लॉग 1 × 10⁻⁶ है इसकी वैल्यू, प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 है। तो पीएच ये -6 इधर आएगा तो ये +6 हो जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, प्लस लॉग 1 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है लॉग 1 जो होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। तो पीएच जो हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, और क्वेश्चन क्या बोलता है, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 एम एसिटिक एसिड एंड 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 एम सोडियम एसिटेट विल बी, और पी के ऑफ एसिटिक एसिड जो है 4.74 जो है वो गिवन है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो हमें बताना है कैसे निकालेंगे। तो इसका पीएच निकालने का फॉर्मूला तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन इसका जो पीएच होता है वो होता है पी के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब गिवन में हमको पी के तो दिया है 4.74, ये दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो हमें बताना है, ठीक है, वो पता लगाएंगे। तो हमको पता है कि 1000 मिलीलीटर, ये 20 मिलीलीटर में कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एम है, तो 0.1 एम जो मोलैरिटी होती है वो हमको, आपको पता है कि वो हम लीटर में लेते हैं, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो मतलब ये मोलैरिटी कितनी होगी, 1000 मिलीलीटर में इतना होगा, तो 10 मिलीलीटर में, सॉरी 20 मिलीलीटर में कितना होगा, तो 1000 मिलीलीटर हैव मोलैरिटी 0.1, सो 20 मिलीलीटर में कितना होगा, 0.1 × 20/1000, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये
0.002 जो होगा वो मोलैरिटी आ जाएगी, राइट। फिर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम 1000 मिलीलीटर में मोलैरिटी वो है 0.1 mm है, तो 10 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, तो ये 0.1 × 10/1000, तो 0.001 mm हो गया, ठीक। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू को हमको क्या करना, पुट कर देना है। तो pH, pKa कितना है आपका 4.74 प्लस log, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.002 है और ये कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, तो pH जो हो गया 4.74 प्लस log 2, और log 2 की वैल्यू जो होती है log 2 0.3010, तो pH जो होगा 4.74 प्लस 0.3010, तो pH जो होगा वो हम ऐड कर देंगे तो 5. आपका pH जो होगा आपका 5.04 जो है वो pH जो होता है आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि द pKa ऑफ अ बीक एसिड HA इज 4.5 DCOH of an aqueous solution, aqueous buffered solution of HA in which 50% of acid is ionized. तो जब हमारा एसिड 50% आयोनाइज है तो हमें pH जो है वो हमें निकालना है, किसका निकालना है pH, वीक एसिड का pH निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हमें POH निकालना है, तो फिर pH निकाल लेंगे आराम से, अपना कोई दिक्कत नहीं। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसका जो पीएच होता है वो होता है, ये होता पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब हमको क्या गिवन है, तो हमको गिवन है पी के जो है वो कितना है 4.5 है, ये गिवन है, और 50% एसिड आयोनाइज्ड मींस कंसंट्रेशन ऑफ, मींस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर एसिड 50% आयोनाइज है इसका मतलब है कि जो हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा उसमें 50% एसिड होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, 50% सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, सिंपल सी बात है। तो बस हम वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो pH ये आपका pKa जो है वो 4.5 था प्लस लॉग, और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो pH 4.5 प्लस 0, क्यों, क्योंकि लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है, तो pH जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4.5, तो pOH कितना हो जाएगा, ये 40 माइनस pH, तो 40 माइनस 4.5, तो pOH इसका हो जाएगा 9.5।